फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही मज़ेदार सा वाइट मटन स्ट्यू। तो चलिए देख लेते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ मैंने 700 ग्राम्स मटन ले लिया है और यहाँ मैंने 700 ग्राम्स मटन लिया है तो यहाँ मैंने 600 ग्राम्स प्याज ली है जो मैंने रफली चॉप कर ली है और बाकी मसाले मैं आपको पकाते हुए बताती चाहूँगी। यहाँ मैंने प्रेशर कुकर के अंदर 1/2 कप ऑयल ले लिया है। अब मैं इसके अंदर यहाँ कुछ साबुत गरम मसाले लूँगी। मैंने 1/2 टीस्पून ज़ीरा लिया है, 1 दालचीनी का टुकड़ा लिया है मैंने, 8 से 10 काली मिर्च ली है, थोड़ा सा टुकड़ा जायफल का लिया है, 8 से 10 मैंने यहाँ लौंगी ली हैं और 5 से 7 मैंने छोटी इलायची ली है। तो चलिए अब हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसे तेल में डाल देंगे अपने सारे गरम मसालों को। थोड़े साबुत गरम मसाले हमारे क्रैकल हो जाए, साबुत गरम मसाले इनका जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर आता है और बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है हमारे। यहाँ देखिए साबुत गरम मसाले अच्छे से क्रैकल हो गए हैं, अब मैं प्याज डाल दूँगी इसमें। यहाँ देखिए हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। हमें प्याज को पूरी तरीके से फ्राई नहीं करना है, हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है प्याज को, क्योंकि हम वाइट स्ट्यू बना रहे हैं यहाँ पे, तो इसलिए हम पूरी फ्राई नहीं करेंगे। बस यहाँ देखिए प्याज फ्राई हो गई है, 5 से 7 मिनट हो गए हैं प्याज को फ्राई होते हुए। अब हम अपना मटन डाल देंगे इसके अंदर। यहाँ देखिए मटन डाल दिया है मैंने, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। दो से तीन मिनट हम मटन को डाल के भून लेंगे प्याज के साथ। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं मटन को प्याज के साथ भूनते हुए और मटन ने कलर चेंज कर दिया है। अब मैं इसके अंदर यहाँ पे जिंजर गार्लिक डालूँगी। यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून गार्लिक ले लिया है, 5 से 6 मैंने यहाँ पे लाल साबुत मिर्च ली है जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है और यहाँ मैंने 1.5 टेबलस्पून अदरक ली है जो मैंने बारीक काट ली है, मैं इसके अंदर डाल दूँगी। यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून नमक ले लिया है, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी, मिक्स कर लेंगे। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, मैं 1/2 ग्लास पानी डाल दूंगी इसमें। पानी मैंने 1/2 ग्लास इसलिए डाला है क्योंकि प्याज भी पानी छोड़ेगी और मटन भी पानी छोड़ेगा। अब हम इसे प्रेशर कुक करेंगे, तो चलिए प्रेशर कुक कर लेते हैं। यहाँ हमें 1 विसल देने के बाद अपने फ्लेम को वो लो कर देना है और लो फ्लेम पे हमें इसे 15 से 20 मिनट कुक करना है। उसके बाद प्रेशर जब खुद रिलीज़ हो जाए उसके बाद हम कुकर खोल के चेक करेंगे। यहाँ देखिए 20 मिनट हो गए थे हमारे मटन को कुक होते हुए और यहाँ प्रेशर भी खुद रिलीज़ हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए अब हम चेक कर लेंगे खोल के। ये देखिए कितना पानी छोड़ दिया है मटन ने और प्याज ने, दोनों चीज़ों ने। अब हम 5 मिनट के लिए हम इसे तेज़ आंच पे कुक करेंगे। उसके बाद हम इसकी फ्लेम को थोड़ा मीडियम कर देंगे। हमें इसे यहाँ देखिए अब हम मटन की भुनाई करेंगे, तो यहाँ हमें हाई फ्लेम पे मटन की भुनाई करनी है ताकि ये जो पानी है वो रिड्यूस हो जाए। यहाँ देखिए मटन को हाई फ्लेम पे भुनते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं 1/2 कटोरी इसमें दही ऐड कर दूँगी। यहाँ देखिए दही डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम। अब अच्छे से हमें भुनाई करनी है अपने सालन की हाई फ्लेम पे। यहाँ मैंने 5-6 मिर्चें जो मैंने बीच में से सिलेक्ट कर ली हैं और थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है, अब हम वो भी डाल देंगे। ये देखिए अच्छे से भुन गया है हमारा सालन और ये देखिए तार कितना अच्छे से आ गया है ऊपर। आप चाहें तो इससे और थिक कर सकते हैं इसकी ग्रेवी को, लेकिन मैं यहीं पर अपनी गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसे उतार लूँगी क्योंकि ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए डिश आउट कर लेते हैं।
ये देखिए हमारा मज़ेदार सा वाइट मटन स्ट्यू बनके बिल्कुल तैयार है। और आपने ये देखा कि कितनी आसान घर की रेसिपी, घर की इंग्रेडिएंट्स से बनके तैयार हो गया ये। तो आप इस रेसिपी को अपने घर पे ज़रूर ट्राई करें, आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।